हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल सावी टेक में। दोस्तों आज मैं आपको नया ट्रेलर बताऊंगा, क्योंकि टिकटॉक में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। मतलब दोस्तों इतनी ज़्यादा लाइक्स आदमी सोच भी नहीं सकता इतने सिंपल एडिटिंग के। तो दोस्तों ये वीडियो आप देख सकते हो 3.5 से 4 मिलियन इसमें लाइक है। और एक वीडियो है दोस्तों ये वाला है, तो आपको मैं दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, मतलब दोनों साउंड का। आप जिस साउंड पोस्ट करना चाहो वहाँ से पोस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो का एडिटिंग करना है, मतलब थोड़ा दोस्तों इतना आसान है दोस्तों, आप बोल नहीं सकते कि इतना आसान होगा। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा कि दोस्तों आप बोलोगे हाँ बहुत ही आसान है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा पहले, कि दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो इसमें लास्ट में जो है ना सस्पेंस ओपन हो जाता है, मतलब दोस्तों किस तरह किया है, कैसे क्रिएट किया, मतलब उसमें समझ में आ जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बात कहना चाहूँगा कि आप दोस्तों ये इस तरह का वीडियो बनाए, मतलब दोस्तों लास्ट तक उसी तरह का वीडियो रहने दीजिए जैसा मैंने बनाया है। और दोस्तों इस तरह करें दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में सस्पेंस पैदा होगा और वो दोस्तों आपके वीडियोस पे बार बार देखेंगे कैसे किया इसने। और दोस्तों इसमें से आपके व्यूज इंक्रीज होंगे और दोस्तों आपके वीडियो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। दोस्तों मैं कहता हूँ आप सस्पेंस मत खोलना। तो दोस्तों मैं आपको एडिटिंग पूरा बताऊँगा, सस्पेंस वाला भी और सस्पेंस खोलने वाला भी। तो दोस्तों आपको एक वीडियो शूट कर लेना इस तरह का, नॉर्मल कैमरे शूट कर लेगा, मोबाइल एक जगह स्टैंड में रख दीजिएगा या कहीं भी रख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम एडिट करेंगे काइन मास्टर से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपका काइन मास्टर वाटरमार्क आता है तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं आपको काइन मास्टर विदाउट वाटरमार्क लिंक सेंड कर दूँगा। चलिए दोस्तों चलते अपने काइन मास्टर में और वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे अपने काइन मास्टर ने प्लस करके हम जाकर टिकटॉक वाला रेसिप सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों मीडिया में जाकर वो वाला वीडियो लेकर आएंगे जो अपने कैमरे से शूट किया था। दोस्तों वो वीडियो में लेके आ जाता हूँ, ये वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा दोस्तों मेरा लाइट का प्रॉब्लम है कि दोस्तों सूरज का जो लाइट आ रहा था ना वो मेरे दरवाजे खोलने पे थोड़ा अप डाउन हो रहा था। दोस्तों उस पर एडिटिंग करने मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ। लेकिन दोस्तों आप ऐसी जगह वीडियो शूट करना जहाँ इस तरह के सूरज की लाइट का कोई रिफ्लेक्शन ना हो, तो दोस्तों आपका वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों वहीं से आप शूट करिएगा तो बहुत बेटर वीडियो बनेगा। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ एडिटिंग करके बता दे रहा हूँ किस तरह से करना है, उसके बाद दोस्तों आप पोस्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको एक वीडियो शूट कर लेना है। देख लीजिए मैं इसका साउंड कम कर देता हूँ। इस तरह आपको आना है और आने के बाद अंदर आना है, ऐसा रिएक्ट करना है कि मैं अंदर नहीं आ पाया हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर से बाहर जाना है और इस तरह से पैर बाहर रख के आ जाना है बस। दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमें मेन एडिटिंग करना है शुरू से। दोस्तों हम स्टार्टिंग में वीडियो को जाएंगे, इस लेयर पे टैप करेंगे, इस पे टैप करेंगे, साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है कैप्चर एट सेम फ्रेम एट प्लेट, पहला अलग क्लिक कर देंगे। उसका दोस्तों हमारा इसको एक और काम है इरेज करना। तो दोस्तों मैंने बैकग्राउंड इरेजर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने इरेज करके ऑलरेडी रख लिया है। तो दोस्तों हम पहले मीडिया में जाएंगे, लेयर में जाकर मीडियम जाएंगे और दोस्तों जो मैंने इरेजर किया है वो वाला कैप्चर इमेज लेके आ जाएंगे। तो दोस्तों कैप्चर इमेज ले जाने के बाद इसको फिट टू स्क्रीन कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसका लेयर का साइज़ पूरा बड़ा कर देना है। कहाँ तक रखना है? जहाँ आप पैर रख रहे हो, ध्यान दीजिएगा, जहाँ तक आप पैर रखोगे, देख लीजिए कहाँ तक पैर रख रहे हो, ये हाँ यहीं तक ही रख रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से कट कर दीजिएगा। दोस्तों उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपका एडिटिंग हो गया। जस्ट मैंने आपको इतना ध्यान देना है कि आपका लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, इस वजह से मेरा एडिटिंग में प्रॉब्लम हुआ है लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से। तो दोस्तों हमारा वीडियो तैयार हो चुका है, देखिए इस तरह से वीडियो बन सकता है। दोनों साउंड का लिंक मैं आपको दे दूँगा, वहाँ जाके पोस्ट कर सकते हैं, ऐसे आया। लेकिन मैं आपको कहूँगा दोस्तों कि वीडियो में सस्पेंस ही रखिएगा, यहाँ तक आके यहाँ तक भी पूरा सस्पेंस ही रखिएगा, तो दोस्तों आपका वीडियो ज़्यादा वायरल होने के चांसेस बढ़ेगा। तो दोस्तों आप इसको यहाँ तक रखिएगा और पोस्ट कर दीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो वायरल होंगे, जैसे सस्पेंस रहेगा तो आदमी ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा व्यूज आएंगे तो ज़्यादा लाइक्स भी आएंगे। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ से इस तरह से मेरा लाइट का प्रॉब्लम हुआ, इसी वजह से आपको इसे पता चल रहा है, वरना दोस्तों पता नहीं चलता। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लाइट डिफरेंस हो जा रहा है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर अगर आपको कोई भी लाइट का प्रॉब्लम हो तो आप दूसरे रूम में शूट कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको शेयर कर देना है फुल एच डी में और टिकटॉक में पोस्ट कर देना। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी सवाल हो तो इंस्टाग्राम में जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फैक्ट के साथ।